हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड, आज के इस वीडियो में आपको मैं फारंटेन मल्टीप्लायर कराने जा रहा हूँ। लेकिन फारंटेन मल्टीप्लायर होता क्या है और किस तरह से उसको हम अल्जेब्रिक डेरिवेशन करते हैं और किस तरह से हम उसको फोर्स सेक्टर की इकोनॉमी में फाइंड करते हैं, तो पहले आपको मैं बताऊंगा कि फ्रेंड फोर्स सेक्टर होता क्या है और किस तरह से हम फोर्स सेक्टर को ड्राइव करते हैं। आफ्टर दैट फिर मैं बताऊंगा कि फोर्स सेक्टर में मल्टीप्लायर कैसे निकलता है, और फिर इसके बाद आपको दिखाऊंगा कि फोर्स सेक्टर जब मल्टीप्लायर का फार्मूला आपको फाइंड कर लेते हैं, फिर आप किस तरह से उसको जीडीपी को फाइंड करते हैं। तो देखिए फ्रेंड, मल्टीप्लायर आपको पहले बता चुका हूँ कि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, गवर्नमेंट मल्टीप्लायर, टैक्स मल्टीप्लायर, सब में क्या करना है कि जो वन अपॉन वन माइनस एमपीसी में उसको मल्टीप्लाई करना होता है इन्वेस्टमेंट से या जी से। तो यहाँ पर थोड़ा सा एक्सटेंड हटके रहेगा। देखिए पहले तो हम आपको बताते हैं कि फ्रंट एंड मल्टीप्लायर होता क्या है। इसके पहले आपको मैं डेप्थ नॉलेज देना चाहता हूँ जस्ट फोर्स सेक्टर इकोनॉमी क्या है। फ्रेंड, आपको पता है कि फोर्स सेक्टर इकोनॉमी में हम कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट, नेट एक्सपोर्ट देते हैं। अब बताएंगे फ्रेंड कि नेट एक्सपोर्ट क्या है, क्योंकि हम फॉरेन ट्रेड पढ़ते हैं ओपन इकोनॉमी में। जब हमारी कंपनी में, कंट्री में ओपन इकोनॉमी यानी कि हमारा एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट होता है, तो जो वैल्यू है एक्सपोर्ट की और इम्पोर्ट की, उसी को हम नेट एक्सपोर्ट बोलते हैं। उस नेट एक्सपोर्ट को हम जब ऐड कर देते हैं अपने थ्री सेक्टर इकोनॉमी में, सी प्लस आई प्लस जी प्लस नेट एक्सपोर्ट, ये हमारा फोर्स सेक्टर है। जब इसको हम ऐड कर देते हैं तो हम बोलते हैं कि हमारी जो इकोनॉमी है वो फोर्स सेक्टर हो गई। लेकिन लेकिन फोर्स सेक्टर में फ्रेंड बहुत कुछ चीज़ें ऐड होती हैं, तो मैं पहले आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो हमारा कंजप्शन होता है, थोड़ा सा देख लीजिए, ये विदाउट टैक्स तो ए प्लस बी वाई लिखते थे। ये ए ऑटोनोमस कंजप्शन है, बी आपका यहाँ पर क्या है, मार्जिनल कैपेसिटी टू कंज्यूम है। तो ये दिखाता है कि कंजप्शन किस पे डिपेंड करता है आपका, वो वाई पे डिपेंड करता है, लेकिन एम पी सी पे डिपेंड करता है। लेकिन जब हम टैक्स लगा देते हैं तो हमारा जो कंजप्शन फंक्शन है विद टैक्स ये बन जाता है, और विदाउट टैक्स हमारा कंजप्शन फंक्शन ये रहता है, आपको पता है आपको। अब दो चीज़ें हम और ऐड कर रहे हैं। जब हम इस फंक्शन को यहाँ पर लिखते हैं ए प्लस बी वाई, तो यानी कि ये कंजप्शन फंक्शन था, अब हमारा ये कंजप्शन फंक्शन हो गया, ठीक है। तो ये कंजप्शन विद टैक्स है, ठीक है। तो हम इस पूरे इक्वेशंस में ए प्लस बी माइनस बी टी ऐड कर दिया, प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस जी और प्लस गवर्नमेंट एक्सपोर्ट भी ऐड कर दिया। तो जब हम इसको फ्रेंड ऐड कर देते हैं तो ये बी वाई और वाई ये इधर आ जाएगा, तो आपका जो पूरा फार्मूला बनेगा ए माइनस बी टी इधर आ जाता है। तो फ्रेंड जो वन अपॉन वन माइनस बी तो निकल गया, लेकिन ये जो पूरा का पूरा इक्वेशन है ये क्या है, फोर्स सेक्टर है। तो इसकी जगह पे हम मान चलो ए बार लिख देते हैं, तो आपका जो फोर्स सेक्टर इकोनॉमी बनेगा वाई इक्वल टू वन माइनस बी ए बार, ठीक। तो हम इसको फोर्स सेक्टर इकोनॉमी बोलते हैं। अब थोड़ा सा ग्राफिकल समझ लीजिए आप। हमने लिखा कि ये हमारा कंजप्शन था, ये कंजप्शन लाइन होती है, आपको पता है कि ये ए प्लस बी वाई कर सकते हैं, यानी कि ये जो है ये आपका ए है, क्या है फ्रेंड, ए है, ठीक है। और जब हमारी हमारी कंट्री में कंजप्शन फंक्शन दिया था तो सी आई जी यानी कि तीन सेक्टर, यानी कि गवर्नमेंट, टैक्स, नेट एक्सपोर्ट और इन्वेस्टमेंट हम ऐड कर देते हैं। जब इसमें तीनों चीज़ें ऐड कर देंगे तो हमारा आई प्लस सी डी ऐड कर देंगे, तो हमारा जो एग्रीगेट कंजप्शन बना था ये बना था, ठीक। तो फ्रेंड हमारा ये जो वाई निकला था इस पॉइंट पर आ जाएगा, तो यानी कि हमारी इकोनॉमी विदाउट सी, अगर हमने इन्वेस्टमेंट ऐड कर दिया इसमें तो हमारा ऐसा हो सकता है, लेकिन हमने तीनों ऐड कर दिया तो हमारा ये ए डी बन गया फ्रेंड। तो ये ई पॉइंट से आप ई वन पे पहुंच गए, तो आप ये कह सकते हैं कि हमारा इकोनॉमी में इस टाइम ये है, ठीक, जीडीपी है मान के चलो, ठीक। अच्छा, अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये आपका
फोर्थ चैप्टर हो गया, ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब हम बात करना चाहते हैं मल्टीप्लायर के उस सेगमेंट की जहाँ पर आपको पहले समझना है कि फोर्थ चैप्टर के बाद हमारा मल्टीप्लायर का इफेक्ट कैसे निकलता है जब फोर्थ चैप्टर आ जाता है। तो फोर्थ चैप्टर आने के लिए आपको दो चीज़ें और समझना पड़ेगा फ्रेंड। तो इसी फोर्थ चैप्टर को हमने क्या किया, फोर्थ चैप्टर को मॉडल को हमने एक्सटेंड कर दिया फॉरेंटेड मल्टीप्लायर के साथ। अब वो कैसे ऐड कर दिया, हमने सबसे पहले बताया कि आपको इम्पोर्ट फंक्शन क्या होता है। फ्रेंड इम्पोर्ट फंक्शन ये होता है कि हमारा जो कंट्री का जो इम्पोर्ट है, आप ऐसा समझ लीजिए कि हमारी जो कंट्री का जो इम्पोर्ट है, इम्पोर्ट मतलब है कि इसे हम m इज इक्वल टू एम बार प्लस एम वाई बोलते थे। बोलेंगे सर ये क्या है, हम ये कहना चाहते हैं कि हमारी कंट्री में अगर इनकम जीरो है तब भी इम्पोर्ट जीरो है, एक तो इस तरह से बनेगा, तो ठीक है, तो ये फंक्शन y हो जाएगा इम्पोर्ट फंक्शन। और एक इम्पोर्ट फंक्शन हमारा ऐसे बनता है जब हम कंजप्शन को जीरो नहीं मानते हैं, हम ये मानते हैं कि हमारी हमारी कंट्री में जीडीपी हमारी कंट्री में जीडीपी जीरो है, फिर भी हम इतना इम्पोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। और जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ती है वैसे वैसे हम इम्पोर्ट ज़्यादा करते जाते हैं, तो इस तरह से इम्पोर्ट का ग्राफ बनता है, ठीक है। तो यानी कि इम्पोर्ट किस पर डिपेंड करता है, हमारी कंट्री के जीडीपी पर। तो जब हमारी कंट्री का जीडीपी बढ़ता है तो इम्पोर्ट बढ़ता है। तो हमने ये बताया फ्रेंड कि जो एम है ये ऑटोनोमस इम्पोर्ट है, जैसे यहाँ पर ऑटोनोमस कंजप्शन होता है वैसे यहाँ पर ऑटोनोमस इम्पोर्ट होता है, और ऑटोनोमस इम्पोर्ट होता है। और जो स्मॉल एम है इसे हम मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इम्पोर्ट बोलते हैं, यानी कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इम्पोर्ट ये दिखाता है कि अगर आपकी इनकम बढ़ती है तो यानी कि इनकम के बढ़ने से यानी कि इम्पोर्ट कितना चेंज हो रहा है। लेकिन हम इसको ऐसे बोलेंगे कि हाउ मेनी टाइम चेंज इन इम्पोर्ट ड्यू टू चेंज इन इनकम, इनकम के बढ़ने से यानी कि इम्पोर्ट कितना बढ़ता है इनकम के बढ़ने से, ठीक है। तो हम इसको मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इम्पोर्ट लिखते हैं, क्लियर है। तो इस तरह से ग्राफ बनता है हमारा, और इस तरह से ग्राफ बनने के बाद जब हम इसमें ऐड कर देते हैं तो हमारा ऊपर चला जाता है, क्लियर है। अच्छा अब मैंने इम्पोर्ट फंक्शन को ये बना दिया, अब इसी सेक्टर को इसी फंक्शन को इसी सेक्शन को हमने क्या किया, फिर से ड्राइव किया, और वहाँ पर हमने एक नेट एक्सपोर्ट की जगह पे हमने वहाँ पर जीरो मान लिया था, यहाँ पर एज्यूम किया था जीरो है, लेकिन अब हम मानते हैं कि यहाँ पर हमने इसको ऐसे रख दिया, ठीक, यानी कि इम्पोर्ट की जगह पे एम माइनस एम बार रख दिया और एक्सपोर्ट रख ही दिया। तो जब हमने इसको फार्मूले को फाइंड किया तो फ्रेंड ए प्लस बी टी हमने रखा, ये क्या है आपका, ये आपका कंजप्शन है, ये आपका इन्वेस्टमेंट है, ये गवर्नमेंट है, ये नेट एक्सपोर्ट हो गया पूरा का पूरा, ठीक है। जब हम इसको फिर से फाइंड किया डेरिवेटिव करते जाएंगे तो हम एम आई यहाँ बचा हमारा फ्रेंड और बी वाई यहाँ पर बचा और वाई है, तो हम इस दोनों वाई को इधर ले आएंगे तो वाई माइनस बी प्लस एम वाई बच गया, इजिकल टू क्या बनेगा, ए प्लस बी आई प्लस नेट एक्सपोर्ट बना, ये क्या हो गया फ्रेंड आपका नेट एक्सपोर्ट हो गया जिसे हमने ए मान लिया था, ओके। तो हम हमारा जो फार्मूला अब बनेगा वाई माइनस बी वाई माइनस एम, वाई बाहर ले लेंगे तो वन अपान वन माइनस बी प्लस एम बचा, यानी कि ये जो बना वन अपान वन माइनस बी प्लस एम ये पूरा क्या हो गया आपका, ये क्या हो गया आपका, ये हो गया फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर, ठीक। जैसे हमने पढ़ा था कि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर बराबर चेंज इन इनकम ड्यू टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट, ये पढ़े थे हमने। एक और पढ़ा था कि गवर्नमेंट मल्टीप्लायर में कि चेंज इन इनकम ड्यू टू चेंज इन गवर्नमेंट, अब हम पढ़ेंगे चेंज फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर, यानी कि एफ से डोंट करें, हम पढ़ेंगे कि चेंज इन इनकम ड्यू टू चेंज इन नेट एक्सपोर्ट, ठीक, या हम सिर्फ एक्सपोर्ट भी लिख सकते हैं कि एक्सपोर्ट की चेंज होने से जीडीपी कितना चेंज हुआ, ठीक है। तो यानी कि वाई के अगर आपको निकालना है कि जीडीपी कितना चेंज होगा
इसको निकालने के लिए हम 1/(1 - b + m) जो जितना चेंज हो उसमें मल्टीप्लाई करेंगे। तो आपका जो इनकम चेंज होने का फार्मूला है आपका फ्रेंड, आपका ये बन गया, ये आपका इनकम चेंज होने का फार्मूला बन गया। और इसी फार्मूले के बोलते हैं फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर। तो आपको ये फार्मूला आपको समझ लेना है कहाँ से आया, फोर सेक्टर से निकल के आ गया, ठीक है। लेकिन अब आपको मैं एक न्यूमेरिकल बताता हूँ किस तरह से। देखिए आपके माने सामने, आपके सामने फ्रेंड एग्जांपल दिया गया है कि कंजप्शन आपका C 60 + 0.9 y है और जो इन्वेस्टमेंट है 100 है, जी 100 है, टैक्स यहाँ पर हमें 0 मान लिया है, एक्सपोर्ट आपका 20 है और इम्पोर्ट है 10। 10 का मतलब यहाँ हुआ कि इनकम 0 है तब भी वो 10 का इम्पोर्ट कर रहा है। और जैसे जैसे इनकम बढ़ती है तो उसी प्रपोर्शन में 0.5% आपका इम्पोर्ट भी बढ़ता है। अगर ये दिया रहे मान के फ्रेंड आपके एग्ज़ाम में, अगर आपको ये दिया गया है, ये वैल्यू दी गई है और आपसे पूछा जाता है कि चलो आप GDP निकालो, ये सारे फोर सेक्टर GDP है, तो अगर फोर सेक्टर GDP भी निकालना पड़ेगा तो फ्रेंड आप क्या बताएंगे, कैसे निकालेंगे? सारी इस वैल्यूज़ को आप क्या करेंगे, इसमें पुट करेंगे। जब आप इसमें पुट करते जाएंगे तो देखो हमने पुट करके देखा है, आप इसमें पहले पुट कर दीजिए, पहले आप GDP निकालिए। जब हमने इसमें पुट कर दिया हर की जगह पे, जो भी फंक्शन है वहाँ पर हमने पुट करते जाएंगे फ्रेंड, तो देखो 60 + 0.9 yt हमने पुट किया। फिर हमने क्या किया, कुछ नहीं किया फ्रेंड, ये जो 10 है 10 है, 30 जोड़ दिया, माइनस में 10 निकल गया तो 30 बचा 40 में से, 0.5 y से ले लिया। अब हमारे पास 0.9 यहाँ है, इन 9 और 0.9 को लेंगे तो एक कितना हो गया 0.85 हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा 60 30, यानी कि y - 0.8 y 90 हो गया फ्रेंड। तो टोटल हमने इस तरह से पढ़ना 0.15, क्योंकि 1 - 0.5 से जाएगा 15 बचेगा, 100 बचेगा, तो y बराबर कितना आया 600। ओके मान के चलो हमारा y कितना आ गया बेटा जी, 600 आ गया। ओके लेकिन यहाँ पर सब कुछ ऐड है, 600 आ गया। अगर सिर्फ इन्वेस्टमेंट निकालना होगा तो आप निकाल सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट कितना हो, तो आप इस GDP की यहाँ भी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि चलो मल्टीप्लायर कितना है। अगर माना जाए कि भाई ये जो GDP बढ़ी हुई है इसका मल्टीप्लायर कितना था, ठीक है, तो अभी हम GDP बढ़ाना दिखा रहे हैं, हमने ये बोला कि मल्टीप्लायर क्या है, पर तो मल्टीप्लायर निकालने का फार्मूला आपको बता चुके हैं, 1/(1 - b + m), तो यहाँ निकला 1/(1 - b + m), और आपको पता है कि फ्रेंड बी क्या है, MPC है, तो लिखेंगे 1/(1 MPC) लिख सकते हैं, और प्लस MPI मार्जिनल प्रोपोर्शनल टू इम्पोर्ट लिख सकते हैं, या Δ C/Y Δ M/Y लिख सकते हैं, तो चाहे आप कोई भी चीज़ पुट कर सकते हैं। और आपके सामने दिया गया है क्या, MPC कितना दिया गया है फ्रेंड, 0.9, और मार्जिनल प्रोपोर्शनल टू इम्पोर्ट कितना दिया गया है, 0.5। तो 0.9 0.5 ऐड कर देंगे, 1 से माइनस करेंगे तो 1/(0.15) बचेगा, पॉइंट के बाद 2 अंक है तो ये ऊपर जाएगा आपका 66 मीटर। तो यानी कि आपका मल्टीप्लायर कितना है, 6.66, ठीक है। अब मैं आपसे बात करता हूँ कि चलो आपको मल्टीप्लायर भी निकालना आ गया, ठीक है, सब कुछ दिया रहने के बाद GDP निकालना आ गया, किस तरह से इनकम बढ़ती है। अब मैं बताना चाहता हूँ कि अगर एक्सपोर्ट बढ़ जाए, अगर आपका एक्सपोर्ट बढ़ जाए तो क्या होगा, यानी कि एक्सपोर्ट बढ़ने से आपका नेट एक्सपोर्ट बढ़ गया तो क्या हो जाएगा, ये सी ये पूरा ऊपर चला जाएगा, तो GDP बढ़ जाएगी। मान के चलो 100 रुपये इन्वेस्टमेंट बढ़ा, सिर्फ 100 रुपीज इन्वेस्टमेंट चेंज हुआ, सॉरी इम्पोर्ट चेंज हुआ या एक्सपोर्ट बढ़ गया, तो यानी कि नेट एक्सपोर्ट 100 होगा। अगर 100 हो जाएगा तो आप मल्टीप्लाई कैसे करेंगे फ्रेंड, कैसे निकालेंगे आप, Δ y में कितना चेंज आएगा, 1/(1 - b + m) इंटू क्या है, Δ x, यानी एक्सपोर्ट। तो लिखेंगे कैसा है, y बराबर, यानी कि Δ y कितना चेंज आया, y बराबर 1/(1 - b + m), यही लिखेंगे आप। लेकिन इसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे 1.0.9 × 15, ये लिखेंगे। लेकिन यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, 100।
तो ये इस पूरे की वैल्यू का कितना आया था, इस पूरे वैल्यू को आया था आपका 6.67 या 666 कर सकते हैं, और इसको 100 से मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या आएगा 600 समथिंग, यानी कि 667 जो भी है, तो कितना निकलेगा। आप ये कहेंगे कि 6 गुना अगर 100 रुपीज लगाएगा तो 600 और बढ़ जाएगी जीडीपी। अगर ये हमारी जीडीपी 600 है, ऑलरेडी पहले से 600 निकली थी, अगर गवर्नमेंट नेट एक्सपोर्ट बढ़ जाता है 100, तो मल्टीप्लायर की वजह से हमारा जीडीपी 600 और बढ़ेगा। तो 6 से यहाँ पर जो जाएगा 600 से ये 1200 हो जाएगा। तो ये जो निकलेगा इस चेंजेस को डेल्टा वाई को और इसको डेल्टा एक्स बना, तो हम लिखेंगे कि जो गवर्नमेंट मल्टीप्लायर है वो कितना हो जाएगा, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स कितना हो गया, ये हो गया आपका फ्रेंड 6 गुना हो गया, क्योंकि 100 रुपये चेंज करने से हमारा जीडीपी कितना हुआ 600 समथिंग बढ़ गया, तो 6 गुना समथिंग हो गया, तो ये मल्टीप्लायर 6 टाइम हो गया। क्लियर फ्रेंड। तो बेसिकली ये था आपका 400 मल्टीप्लायर, जिसमें आपको मैंने 4 चैप्टर मल्टीप्लायर कैसे निकालते हैं, एग्जांपल लेने के बाद मल्टीप्लायर को फाइंड करने से पहले आप जीडीपी कैसे फाइंड करते हैं, फिर हमने बताया कि अगर इन एम्प्लॉयमेंट चेंज इन एक्सपोर्ट चेंज होता है या इम्पोर्ट चेंज होता है, अगर इसमें चेंज हो जाता है तो किस तरह से हम उसको यहाँ पुट करके फिर उसका टोटल निकालेंगे, फिर हम देखेंगे किस तरह से 400 मल्टीप्लायर वर्क करता है। तो फ्रेंड ये था 400 मल्टीप्लायर। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बैलेंसेस बजट मल्टीप्लायर कराऊंगा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सारे आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। फ्रेंड अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड सपोर्ट माई चैनल। थैंक यू।